आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन आर्टिकल इज़ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर अ नाउन रेफर टू समथिंग स्पेशल और नॉट। बेसिकली ये नाउन के पहले यूज़ होते हैं और ये बताते हैं कि वो नाउन स्पेशल है कि नहीं। ठीक है, तो लाइक कुछ क्या कहते हैं, वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू एंड कॉन्सोनेंट है, उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आप वॉवल्स को हिंदी में स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको हिंदी के बेस पे ही उसके नाउन के पहले आपको आर्टिकल्स लगाने होंगे हिंदी के बेस पे। ठीक है, स्वर मतलब छोटा बड़ा, ठीक है, व्यंजन मतलब काका काका। ठीक है, जहाँ पे भी छोटा बड़ा की आवाज़ आएगी क्या होगा, वहाँ पे एन लगेगा, और जहाँ पे भी छोटा बड़ा की काका गा की आवाज़ आएगी वहाँ पे ए लग जाएगा। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ही इज अननोन गाय, अननोन, अननोन मतलब आ आया, आ से पहले क्या बोला था, एन लगेगा, छोटा बड़ा में एन लगेगा। ठीक है, शी इज एजुकेटेड पर्सन, ए की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे भी एन लगा। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म, या की आवाज़ आ रही है तो या के लिए हमने क्या बताया था, काखा गा में ए लगेगा। ठीक है, माई फादर इज़ MBBS, ए की आवाज़ आ रही है। ठीक है, छोटा बड़ा की आवाज़ इसमें, ठीक है, स्वर मतलब, तो एन लग गया। ठीक है, अब क्या दा का यूज़ हम देख लेते कैसे होता है। दा बेसिकली यूज़ होता है आपके कुछ डेफिनेट आर्टिकल के लिए, लाइक जहाँ पे पर्टिकुलर कोई थिंग हो या फिर स्पेशल किसी को हमें दिखाना हो वहाँ पे आप दा का यूज़ कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए, दिस इज़ द पेन, अगर आपका कोई पेन काफ़ी अच्छा है लाइक दिस, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो दिस इज़ द पेन। ओके, अगर काफ़ी सारे कहीं पे पेन पड़े हैं तो आप रैंडम किसी पेन को दिस इज़ द पेन। ठीक है, तो वहाँ पे स्पेशल नहीं है थिंग, तो यहाँ पे स्पेशल या फिर पर्टिकुलर कोई अच्छी थिंग होगी तो वहाँ पे दा यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज ए हो जाएगा या फिर एन हो जाएगा। ठीक है, दा हम किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, द ऑल्सो कम्स विथ रिवर नेम, रिवर के नेम के पहले यूज हो जाएगा, न्यूज़ पेपर, होली बुक, ऑल्सो कम विथ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक थिंग या फिर अच्छी या फिर किसी कम्युनिटी के लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।